गोवर्धन क्षेत्र में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश एवं नालों के पानी से किसानों के खेत में खड़ी करीब 20 एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई। अडीक के दर्जनों किसानों ने रोष प्रकट करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जलभराव की समस्या से निजात पाने की मांग की। वहीं किसानों द्वारा बताया गया कि नालों रजवाहों में अवैध कुलावों के खुले रहने के कारण खेतों में पानी भर गया है, जिसे लेकर गांव अडीक के किसानों ने विभागीय अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया था, लेकिन जलभराव की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। कारण है ये आगरा नहर में अवैध कुलाव लगे हुए हैं और लोग उनको खुला छोड़ देते हैं और जल भराव की हर साल समस्या होती है और जल निकासी का कोई समाधान नहीं है। हम कई वर्षों से इसी तरह से अपनी फसल को नष्ट होते हुए देख रहे हैं। कितनी फसल आपकी नष्ट हो चुकी है? मेरी 7 बीघा फसल नष्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं ये सारे फसल में पानी भरा हुआ है और सारी फसल डूबी हुई है। सभी किसानों की कम से कम 20 एकड़ जमीन है, इस समय 20 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई है। इसको लेकर आपने कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी विभागीय अधिकारी संपर्क नहीं किया? हमने कई बार संपर्क किया है गोवर्धन जाकर के एसडीएम साहब से, तो कई बार वो किया है, जाम भी लगाया है यहाँ पर सड़क पर, लेकिन किसी भी अधिकारी ने हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं किया है।